हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और आपने मेरे कल वाले व्लॉग में देखा था कि मैंने रात में ही ना ये मूली काट के रख दी थी और अब इसमें ना पानी पूरा निकल चुका है, तो मैं इसको सुखाने के लिए रख दूँगी। और अभी धूप में ना पूरा एक दिन मैं इसको अच्छे से सुखाऊँगी, उसके बाद मैं फिर इसका अचार डालूँगी। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है मूली का अचार, तो मैंने सोचा सीज़न ना अब जाने ही वाला है मूली का, तो एक बार अचार डाल ही लेती हूँ इसका। और देखिए, इसके साथ साथ ही ना मैंने यहाँ पे जो लाल मिर्च आती है ना, उसको भी सुखाने के लिए रखा है। तो इसको भी मैं पहले 2-3 दिन अच्छे से धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद इसका भी मैं अचार डालूंगी और फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और ये ना प्लास्टिक का मैंने बॉक्स धो के रखा है, क्योंकि मेरे पास कांच का इतना जार नहीं है बड़ा जिसमें ये अचार आ सके मूली का। तो देखिए, काम मेरा हो चुका है किचन का पूरा। और अभी मैं जो मेथी लेके आई थी ना, उसको भी मैंने छांट के रख दी है। तो फ्रेंड्स, काम मेरा सारा हो चुका है। अभी जस्ट नहा के आई हूँ और आज मैंने पहनी है ये रेड कलर की साड़ी। बस ऐसे ही पहनने का मन हुआ तो पहन लिया, ऐसे कोई खास कुछ ओकेजन नहीं है, क्योंकि अब जो मौसम है ना थोड़ा ठीक हो गया है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो मुझे ये ना सीज़न बेस्ट लगता है अगर साड़ी वेयर करनी है तो। फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती है ना, तब भी साड़ी नहीं पहनी जाती मुझसे, और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है मैं तब भी नहीं पहन पाती, तो मैंने सोचा चलो आज पहन ही लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कैसी है ये। एकदम जो है ना लाइट वेट साड़ी है ये, और थोड़ा सा शेडेड साड़ी है, मतलब रेड कलर की है और बहुत हल्की है, घर में आराम से पहनी जा सकती है, इसीलिए मैंने पहनी है। तो चलिए, मॉर्निंग का काम तो ख़त्म हो चुका है लेकिन अब शुरू हो जाएगा हमारा दिन का काम। काम कभी ख़त्म होता है, काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो चलते हैं किचन में, और किचन में जाने से पहले मैं बांध लूँगी अपने बाल, क्योंकि किचन में फिर बाल खुले हुए ना सही नहीं होते हैं, है ना, इसीलिए पहले बाल बांध लूंगी। और चलिए चलते हैं किचन। अन्या की हो रही है पढ़ाई, उसकी स्टडी ख़त्म ही नहीं होती अभी, क्योंकि एग्जाम टाइम आने वाले हैं, तो फिर वो मोस्टली जो टाइम है ना वो पढ़ती है, क्या मतलब बीच बीच में ब्रेक लेती है, पढ़ती भी है। तो ये देखो, मान्या लगी है अपने स्टडी में, तो उसका ऐसे ही है। कई बार तो ऐसा हो जाता है ना कि पूरा दिन हो जाता है और वो ऐसे ही बैठी रहती है एक जगह पे, और मैं उसको कई बार बोलती हूँ कि बेटा एक जगह पे ना ऐसे आपने नहीं बैठा है, जब भी आप ना पढ़ाई करते हो तो मतलब बीच बीच में ना आपको उठना ही होता है, वॉक करना होता है, थोड़ा सा रिलैक्स होना होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बस पढ़ती है तो वो फिर पढ़ती ही रहती है कुछ ना कुछ। और आजकल जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं, बनाने को उसको मिला है प्रोजेक्ट वर्क, तो उसका भी काम है, फिर एग्जाम्स का भी काम है। तो मुझे ना ये कॉन्सेप्ट ना स्कूल्स का समझ में नहीं आता है, या तो बच्चों से ना आप पढ़ाई करवा लो या फिर प्रोजेक्ट ही बनवा लो। ऐसे क्या होता है ना, बच्चे का जो है ना वो माइंड डाइवर्ट होता है इस टाइम पे, क्या प्रोजेक्ट बनाने का मतलब होता है, प्रैक्टिकल है 5 मार्क्स, और उस 5 मार्क्स के लिए बच्चा इतनी मेहनत करता है ना कि पूछो मत। तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो चलिए, अभी ना मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर लेके आई थी तो टमाटर जस्ट वॉश करके रखे थे, और इसमें है छोले, तो बस अभी ना जल्दी से चने छोले मिक्स करके मैंने ना बॉईल कर दिया था, और हो गया है अब रात का मतलब दिन का खाने का टाइम, तो बस मैं जल्दी जल्दी अभी ये बना देती हूँ। और प्याज और टमाटर मैंने रखा है काट के, तो प्याज मेरा अब भुन चुका है, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल दूंगी सारे,
और मुझे काफ़ी पसंद आती है चने और छोले की मिक्स जो होती है ना सब्जी, बहुत पसंद आती है। और ज़्यादातर हम इसे ना लंच में ही बनाते हैं और जल्दी से बन भी जाती है। तो बस देखिए मसाला मेरा भुन चुका है। थोड़ा सा मैं अब इसमें ना लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ी देर इसको भी अच्छे से भून लूँगी। मसाला जितना अच्छा भुनता है ना जो सब्ज़ी है वो उतनी ही टेस्टी बनती है। और उसके बाद ना मैं सारे छोले और चने को का जो पानी है ना उसको अलग कर देती हूँ। पहले चने और छोलों को अच्छे से ना भून लेती हूँ मसाले के साथ, और जब वो अच्छे से भून जाता है उसके बाद फिर जो उसका बॉइल्ड पानी जो होता है वो उसमें डालती हूँ। तो बस अब एक उबाल जैसे ही आ जाएगा उसके बाद बंद कर दूँगी मैं गैस को भी। और साथ में ना मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हैं तो दोनों एक साथ जल्दी जल्दी पक जाएंगे। मैं लेके आई थी ना, मैंने इसमें आपको दिखाया था कि मैं इस तरीके से रखती हूँ, और आप देखिए टिश्यू खोल के अभी भी एकदम फ्रेश है। और करीब 4-5 दिन इसे हो गए हैं आराम से, है ना। तो इसी तरीके से अगर स्टोर करेंगे तो बहुत फ्रेश ही रहेगा। तो बस सब्जी के लिए ना अभी मैं इतना काट दूंगी, फिर वापस से मैं इसी टिश्यू को इसी तरीके से रख दूंगी और इस फ्रिज में ऐसे ही रख दूंगी। रेडी है छोले, चावल, और ये है आम का खट्टा मीठा अचार और सैलेड और मिर्च। तो बस अभी हम लोग खा लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मानू ये लो, माना ये। तो लंच हमारा हो चुका है। अब जितने भी जो बर्तन है ना उनको खाली कर दूंगी, जो बचा हुआ है उसको छोटे से किसी बर्तन में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, और साथ ही साथ बर्तन भी सारे धो के रख दूंगी। क्योंकि फिर अभी अगर अभी नहीं धोऊंगी ना तो फिर मुझे ये शाम को धोने पड़ेंगे, तो फिर शाम का काम भी ना बढ़ जाता है। तो हाथों हाथ अभी ही सारे बर्तन धो के रख देती हूँ मैं तो मोस्टली। हाँ, जब बहुत ऐसा होता है कि नहीं कुछ और काम है या आलस आता है कई बार ना तो छोड़ देती हूँ, अदरवाइज़ मैं हाथों हाथ सारे बर्तन धो के रख देती हूँ। और ये ना सही भी होता है, जैसे हम अगर कोई चीज़ सोचे ना कि चलो बाद में कर लेंगे बाद में कर देंगे, तो फिर ना वो बाद के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और अगर हाथों हाथ चीज़ें कर ली जाए ना वो सही भी रहती हैं और अपने लिए भी जो है ना वो समय बच जाता है। और मेरी जो मम्मी है ना वो तो ऐसी हैं कि उनको सिंक में ना एक भी बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो एक चम्मच क्यों ना हो, उनको वो हाथों हाथ ही धोना है। उनको सिंक बिल्कुल साफ चाहिए। और मम्मी हर काम ना बहुत सफाई से करती है और घर भी इतना साफ़ सुथरा रखती है ना, तो इस उम्र में अगर मम्मी इतने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं तो मम्मी को देख के ना थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता ही है। मतलब मम्मी मेरा बहुत बहुत काम करती हैं और उनको ना किसी और का किया हुआ काम पसंद भी नहीं आता है, वो अपना काम ना खुद ही करना पसंद करती हैं और बहुत सफाई से करती हैं। तो बस बर्तन भी अब मेरे यहाँ पे धुल चुके हैं और मैं सिंक भी अब साफ कर लूँगी अच्छे से। और सिंक में ना मैं बार बार क्यों हाथ मारती हूँ, बार बार क्यों साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी खारा है और अगर ऐसे ही छोड़ देते ना तो पूरे सिंक में दाग धब्बे से पड़ जाते हैं खारे पानी के। और इतना रगड़ने के बाद भी ना मुझे ये ज़्यादा क्लीन सा नहीं लगता है, जैसे मीठे पानी में क्लीन हो जाता है ना, मुझे ये नहीं लगता है कि क्लीन हो चुका है। तो देखिए, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ पूरी की क्लीन हो जाए। और बस अब जो है ना गैस स्टोव वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, किचन सारा अच्छे से सिमट जाएगा, क्लीन हो जाएगा ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है।
मेरा जो है ना काम हो गया है और अब दिन का जो है वो पूरा काम हो चुका है। कंप्लीट खाना वाना खा के बर्तन भी साफ कर दिए हैं, किचन पूरा साफ कर दिया है, तो बस अब मैं थोड़ी देर ना करूँगी रेस्ट। और अभी मुझे ना कपड़ों की तय है, वो देखिए वहाँ पे अभी देखिए दिख रहा है आपको, उधर जो है ना वो कपड़े मैंने तय करके रखे हैं, बस अब मैं उनको लगाऊंगी अच्छे से, क्योंकि दिन का काम तो हो चुका है लेकिन फिर अगर अभी इसको नहीं करूंगी ना तो फिर शाम का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरा जो आज का ब्लॉग था वो यहीं तक का था, और किसी भी कारण से अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द ही मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।